हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आई विल बी रियली हैप्पी इफ यू टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो। तो गाइस, आज की वीडियो तो आपने टाइटल से पहचान ही लिया होगा कि आज की वीडियो कितनी 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 इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको कुछ भी हॉल लेकर नहीं आई हूँ, मैं कुछ भी अपनी कलेक्शन लेकर नहीं आई हूँ, मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात लेकर आई हूँ जो कि मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना जाती हूँ जो भी मेरे साथ हुआ। तो वो है एक मीशो फ्रॉड, मीशो स्कैम भी बोल सकते हो आप, कि मेरे साथ क्या हुआ। तो उसके बारे में मैं आपको ये सब बताऊंगी जिससे कि आप लोग भी बहुत ही अवेयर रहे कि आपके साथ ना हो, और अगर किसी के साथ हुआ हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, क्योंकि फिर हम उससे बच सकते हैं, राइट। हम बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे भी स्कैम्स हो रहे हैं गाइज, सो बी अवेयर विद दैट, राइट। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हुआ क्या था कि मैंने ना एक ड्रेस ऑर्डर करी थी मीशो से, लेकिन वो गलती से ना मैंने उसमें क्वांटिटी जो है 2 डाल दी थी। मतलब कि क्वांटिटी 1 मंगवानी थी मुझे, बट क्वांटिटी गलती से 2 डल गई थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक तो मुझे चाहिए ही, एक मैं रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। तो फिर मैंने ऐसे रिटर्न की जो है इनको अप्लाई करा, और वो जो है उन्होंने उनका मतलब कि मैंने काफी वेट करा कि जो भी इनका 7 डेज होता है कि आप उसमें ही रिटर्न कर सकते हो, तो मैंने उसके अंदर ही रिटर्न के लिए डाल दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास कोई भी बंदा नहीं आया पिकअप करने के लिए ऑर्डर। तो मैंने फिर मीशो को कांटेक्ट करा, उनका जो भी हेल्प केयर नंबर है उस पर कांटेक्ट करा। तो आई टोल्ड देम कि भाई मैंने ऐसे ऐसे ऑर्डर प्लेस कर दिया और क्वांटिटी मैंने 2 मंगवा ली और मुझे ना एक ही चाहिए, तो मुझे एक रिटर्न करनी है, तो व्हाट शुड आई डू, और आपका कोई बंदा आया नहीं अभी तक पिकअप करने के लिए। तो दे विल बी लाइक कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। बट वो आया ही नहीं, ऐसे ही करते करते बहुत ही मतलब कि लगा लो कि मुझे 15 से 20 दिन हो गए, ठीक है। और मैं उन्हें डेली कॉल करती थी, लाइक मतलब कि डेली तो नहीं, जैसे कि उन्होंने मुझे बोलते थे कि आपको ना विद इन 5 डेज में आ जाएगा आपका पिकअप करने के लिए। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, तो मैं 5 दिन वेट करती थी, उसके बाद नहीं आता था तो मैं दोबारा कॉल करती थी, फिर 5 दिन वो बोलते थे, फिर मैं दोबारा कर, तो ऐसे ना 3-4 बार हुआ। तो उस टाइम तो मैंने अपना पेशेंस लूज नहीं करा, बट आफ्टर द 5th अटेम्प्ट, मतलब कि मैंने जब 5th कॉल करा उनको, तो मैं लिटरली भड़क गई कि यार ये क्या तरीका है आपका, आपका कुछ भी वो जो है सिस्टम सही नहीं है, आपको बहुत ही अनप्रोफेशनल हो, ये वो ये बहुत ही बिना सुनाया। तो देवर लाइक कि मैम डोंट वरी, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। वो करते 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 लिटरली 1.5 मंथ्स हो गए, बट वो आया ही नहीं। तो मैंने कहा कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है, तो मैंने मेल भी लिखा उनको, मीशो वालों को, कि ऐसे ऐसे हो रहा है और आगे से मैं कोई भी परचेज नहीं करूंगी आपका प्रोडक्ट, ये सब बोला। बट उनको कुछ भी नहीं था, बस उनका कॉल आता था, बोलते थे कि 5 दिन में आ जाएगा, बट नहीं आता था। तो मेरी वो ड्रेस लिटरली वापस हुई नहीं, तो मुझे तो गुस्सा आ रहा है, मेरी अभी तक ड्रेस वापस नहीं। चलिए मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ क्या थी। तो वो ड्रेस थी ये ड्रेस, प्रीटी है, सब अच्छी है, बट द थिंग इज कि ये मेरे पास 2 है। मैं आपको अब दूसरी वाली दिखाती हूँ, देखिए मैं आपको, ये एक ड्रेस है और ये मेरे पास दूसरी ड्रेस है, ठीक है। तो यार ये तो मैंने अनपैक ही रखी, क्योंकि ना अब यार ये वापस तो हो नहीं रही है, मतलब कि मैं अभी भी होप रख रही हूँ कि वापस हो जाए, वापस हो जाए, वापस नहीं हो रही है। तो मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, ये जो है मतलब कि जैसे कि किसी का बर्थडे होता है, फ्रेंड्स का बर्थडे होता है, कजन का होता है, कुछ होता है, तो मैं उसमें दे दूंगी एज अ गिफ्ट। बट यार गाइज द थिंग इज कि भाई मीशो में जब आप अप्लाई कर रहे हो रिटर्न का, तो आपको करना चाहिए। तो भाई ये अलग ही स्कैम चल रहा है। प्लस एक बार क्या हुआ था, अभी लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो कि मेरा उसमें क्या हुआ था कि मैंने मंगवाया कुछ था और कुछ आ गया था, ऐसा मेरे साथ 2-3 बार और हुआ था। तो मैंने ना मीशो से प्रोडक्ट्स मंगवाने ही बंद कर दिए थे, अगर आपने देखा हो मेरा व्लॉग में, कि एक टाइम ऐसा था कि मैं हैक्स पर ही या फिर मतलब कि कुछ और पर ही वीडियोज बना रही थी रादर देन मीशो, जबकि मुझे मीशो ऐप बहुत पसंद थी, उस पर बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस होते हैं, अफोर्डेबल प्राइसेस होते हैं, और बहुत ही मतलब कि कुछ में तो बहुत अच्छा मटेरियल भी होता है, क्वालिटी भी अच्छी होती है। बट गाइज आई वॉज लाइक कि यार एक बार जब दिल टूट जाता है ना,
तो फिर यकीन करना ना मुश्किल हो जाता है, एक बार भरोसा टूट जाता है ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है यकीन करना। तो ये ना मतलब कि कॉस्टली थी थोड़ी ड्रेस, तो मैं इसलिए चाहती थी कि यार ये वापस ही हो जाए, क्योंकि यार मैं दो ड्रेस का क्या करूंगी, और पता भी नहीं है कि मैं अगर किसी को गिफ्ट दूंगी भी तो उसको साइज सेम आएगा भी कि नहीं आएगा। तो इट डिपेंड्स राइट कि भाई मतलब कि मेरे लिए तो टोटल लॉस था, तो मेरे को अभी तक रिटर्न नहीं कर पा रही हूँ मैं। अगर किसी को सोल्यूशन पता है कि रिटर्न कैसे हो सकता है तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन प्लीज़, आई रियली नीड योर हेल्प। और अगर जो है इस ऐसा ही कुछ किसी के साथ हो चुका है फ्रॉड मीशो ने जो भी किया है तो मुझे प्लीज़ कॉमेंट्स में बताइए, और अगर डिफरेंट हुआ है कुछ तो मुझे वो भी बताइए ताकि मैं आगे से अवेयर रहूँ और भी ज़्यादा। और मीशो से अब मैं थोड़े प्रोडक्ट्स कम मंगवाने लग गई हूँ एज़ कम्पेयर टू, मतलब कि अगर मुझे कुछ मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मंगवाने हैं तो ही मैं जाती हूँ, और मतलब कि अगर बहुत ही कॉस्टली होता है तो मैं वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं जाती हूँ जो भी उनका कॉस्टली होता है, क्योंकि यार वो वापस ही नहीं करते हैं। अगर कुछ भी आया तो भाई वो रिटर्न ही नहीं हो कर पाऊँगी तो फ़ायदा ही है राइट, ना मैं एक्सचेंज कर पाऊँगी ना कुछ कर पाऊँगी तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैं तो मतलब कि अब थोड़ा मीशो को अवॉइड ही करती हूँ वहाँ से लेना। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपके साथ शेयर करूँ, हो सकता है किसी और के साथ हुआ हो सकता है कि इससे भी बुरा हुआ हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए ताकि मैं आगे से अवेयर रहूँ। सो दैट्स इट, और आई होप कि मेरी आपको ये जो है आपको पता चली हो प्रॉब्लम कि मीशो में क्या क्या स्कैम होते हैं, क्या क्या फ्रॉड होते हैं। और पता है एक बार और मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ, क्या होता है मेरे साथ एक बार कि मीशो ने ना मीशो पे ना जैसे कि आप COD होता है ठीक है, और उसमें बैंक भी होता है, पेटीएम से भी आप मतलब कि प्रीपेड भी कर सकते हो राइट। तो मैंने ना एक बार दो चीज़ें ना प्रीपेड कर दी थी ठीक है, तो ना मीशो का जब मैं करती थी ना तो ऑर्डर, तो उसके बाद ना मुझे लाइक विद इन 5 or 6 days मेरा प्रोडक्ट आ जाता था जब मैं COD करती थी राइट। लेकिन जब मैंने प्रीपेड करना लग गई ना तो पता है मुझे प्रोडक्ट जो है उससे भी लेट आता था। तो मतलब कि मीशो मतलब कि ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन, पता नहीं ऑनलाइन वालों में होता है, यानी मैं और किसी को क्या ही दोष दूँ, मैंने करा ही सिर्फ मीशो पे अभी तक। तो फिर मीशो में ऐसा भी हुआ है कि अगर जो प्रीपेड कर देता है उनको ये लोग इतने अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, उनका तो देवर लाइक कि भाई पैसे आ गए अब प्रोडक्ट जाए कभी भी दे दो, ऐसा हो जाते हैं ये लोग, ढीले हो जाते हैं मतलब कि ढीले करते रहते हैं आपके प्रोडक्ट। तो फिर लिटरली कॉल करते रहो उन्हें, बोलते रहो कि भाई नहीं आया नहीं आया नहीं आया, तो बहुत ही है ना ये लोग परेशान कर देते हैं, इरिटेट कर देते हैं। तो इसलिए मैं तो ना अवॉइड ही करती हूँ मीशो से मंगवाना। अगर किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, सब मतलब किसी ने शेयर कर रहा है कि भाई ऐसा सिमिलर हुआ है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। और अगर नहीं हुआ है, डिफरेंट हुआ है, इससे भी बुरा हुआ है, तो अभी मुझे बताना ताकि मैं आगे से बहुत ही अवेयर रहूँ इस ऑनलाइन वेबसाइट से, ऑनलाइन ऐप से। तो आई होप आप लोगों को मेरी व्लॉग जो है, मेरी वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी, जो भी मैंने आपके साथ अपना जो भी मीशो के साथ आपको शेयर कराया है अपना एक्सपीरियंस। तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शंस, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपको लेकर आऊँ, अपनी पर्सनल स्टोरीज़ आपको बताऊँ कि जो भी मैं फेस करती हूँ ऑनलाइन वेबसाइट से या फिर किसी भी साइट से या फिर कुछ किसी भी चीज़ से, तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। और मुझे आप इसी तरह प्यार देती रहिए और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करती रहिए। तो यार यहीं पर हम आज की वीडियो जो है ख़त्म करते हैं, और डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।